मॉर्निंग फ्रॉम हुंडर। सो कल रात को हम यहाँ रुके थे, सो आज भी यहाँ रुकने का प्लान है। आज का हम लोग का प्लान है, हम लोग जाएंगे तुतु, जो एक्चुअली मतलब पाकिस्तान, नियर टू पाकिस्तान है। वंस अपन टाइम वो लोग ने वो उसको कैप्चर कर लिया था, फिर उसके बाद 92 में इंडिया ने फिर इसको रिकैप्चर किया है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर सैंड ड्यून्स है और बिस्किट मॉनेस्ट्री, सो बिस्किट मॉनेस्ट्री भी जाएंगे। सो यहाँ पर रात का टेम्परेचर बहुत ही डाउन हो जाता है, मतलब बहुत ही ठंड है। और जगह, ये जो जगह का जो चारों तरफ जो सीनरी है, ये मैं कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलूँगा। इतना सुंदर है चारों तरफ, मतलब पूरा पहाड़ है और बीच में हम लोग का कैंप है। लुक एट दिस। सो दैट्स आवर टेंट टू ब्रेकफास्ट। सो वील हैव आवर ब्रेकफास्ट, सो आफ्टर दैट वील कंटिन्यू आवर जर्नी फॉर टूडे। So this is our breakfast today, fruits, poha, sabji and puri. So we'll have it quickly. So all set. कल मेरा GoPro में आधा recording नहीं हुआ, आज भी I am not sure कि record हो रहा है कि नहीं voice. वो helmet का mic jack टूट गया था। So right now we'll be heading to Turtuk. So let's go. So यहाँ से पूछते हैं कि तुर सो यहाँ से ऐसा ये तुर्तुक का रोड है। तुर्तुक 77 किलोमीटर, बाइक में पेट्रोल है हाफ टैंक से थोड़ा ज़्यादा, तो हिमालयन वाले कमेंट करके बताओ 77 प्लस 77 हो सकता है कि नहीं। तारीफ करते करते तो हम थक जाओगे, वोट सूख जाएगा, लेकिन फिर भी तारीफ करने का दिल करता है। क्या सुंदर है, और यहाँ का टेम्परेचर भी अच्छा लगा। मतलब रात को ठंडा ज़्यादा होता है, लेकिन दिन में ये जो धूप के कारण अच्छा लगता है और लेह जैसा फील भी नहीं होता है। ऑल्टीट्यूड का जो प्रॉब्लम है, ये भी मोर देन 10,000 फीट का अल्टीट्यूड में है, लेकिन फील नहीं होता है ना। और शायद हम लोग एक्लोमेटाइज हो गए अभी तक। सो जैसे कि मैं बोल रहा था, तुर्तुक जो विलेज है, जो एक बार में आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट ईयर, तो पाकिस्तान के अंडर में चला गया था। फिर वो लोग ने वहाँ पर कुछ मतलब स्कूल हाउस एंड अलग कुछ बना लिए थे। फिर 92 या कब, फिर से जब इंडिया एंड पाकिस्तान का वार हुआ, तो उस टाइम में इंडिया ने उसको रिकैप्चर किया था, फिर उसको डेवलप किया है। तो वहाँ से जब मैं जितना मैं सुना हूँ, जो पाकिस्तान का बेस कैंप है वो दिखता है
सो दैट्स इट अबाउट तुत्तू. सो लेट्स कंटिन्यू. जब अपना सियाचिन वॉरियर्स, यहाँ पर उन लोग का कैंप भी था, सियाचिन वॉरियर का कैंप. क्या नज़ारा. और यहाँ पर किसी टाइम में मतलब खौफनाक पूरा मतलब वार हुआ होगा. सो अभी हम लोग थॉयस विलेज क्रॉस कर लिए. थॉयस विलेज में पूरा आर्मी का कैंप था. आगे है स्कारू जो कि 5 किलोमीटर में है. सो अभी हम लोग क्रॉस किए स्कारू और आगे है चंगमार विच इज 22 किलोमीटर. सो यहाँ से लेफ्ट जाओगे तो लारगायब गोंगमा, लारगायब योकमा, सीधा जाएंगे तो तुर्तु बोगदांग. ठीक है, लारगायब ब्रिज. हाँ गाड़ी इधर लगा दूँ. ओके दिस इज दिस माउंटेन. बाप रे खतरनाक रोड स्टार्ट्स. जय हिमालयन. स्टैंड आज जो अलग प्रकार. सो हम लोग थोड़ा डी रूट करके एक दूसरे रूट पे आए हैं ये ब्रिज देखने के लिए. एक्चुअली सभ्य का ब्रिज और पानी दोनों दिखा दो और साथ में कुछ खाने के लिए पकड़ा दो वहीं पर दिन भर बैठ रहेगा. तो बोला चलो एक्सप्लोर करके आते हैं. मैंने बोला चलो ठीक है. ये कौन सा ब्रिज है? रिहारी कौन रेमा इज 27 दिस वे. सो वो क्या ब्रिज है? ब्रिज एबलमेंट डैमेज नॉन लोडेड व्हीकल टू क्रॉस वीक ब्रिज. हाँ सो नाउ आई विल क्रॉस द ब्रिज. नहीं यहाँ पर जगह जगह में ब्रो के वर्कर से बेचारे सिगरेट मांगते रहते
यू आर कमिंग दिस वे एंड इफ़ यू स्मोक ब्रिंग सम, यहाँ पर उन लोग को कहाँ मिलता होगा। तो अभी हम लोग बागदंग विलेज पहुँच गए हैं और बागदंग से तुर्तुक कुछ 20-25 किलोमीटर है। कहाँ कहाँ पर लोग आके रुकते हैं, मतलब कोटी कोटी लोग को ऐसी अच्छा। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हाथ दिखाते हैं हाई फाई करने के लिए। ये छोटे छोटे बच्चे ये सब हाथ दिखाएंगे, देखो रहो ना तो क्या छने हो। और एक आपका फेवरेट ब्रिज, स्पीड लिमिट 5 किलोमीटर। टिडिंग टिडिंग टिडिंग। तुर्तुक, तो यहाँ से स्टार्ट होता है तुर्तुक विलेज। सो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर गेस्ट हाउस भी है, लोग आके रुकते हैं, कैफे। होटल वोटल सब हो गए। सम पॉइंट ऑफ टाइम ये पाकिस्तान में था। देखते हैं कहाँ तक जाने देते हैं। फिर वहाँ से ओके कुछ तो हो रहा है उन लोग का प्रोग्राम। एक ब्रिज तो तुर्तुक विलेज से आगे जो विलेज दिखा रहा था त्याची, तो वो कुछ 4 किलोमीटर आगे था, तो वहाँ पर कोई रुका नहीं तो हम लोग भी आगे आगे। तो यहाँ से त्याची 1 किलोमीटर विलेज त्याची द एज ऑफ इंडिया। सो लेट्स गो। दिस इज त्याची। ओह, यहाँ से बॉर्डर होगा। आई थिंक हम लोग को कैमरा बंद करना चाहिए ना। सो दिस इज थांग विलेज द लास्ट विलेज। हाँ, जो यहाँ पहाड़ी है वो पहाड़ी में उनका बंकर है, यहाँ पर है उनको, वहाँ पर चार पोस्ट। हाँ, पाकिस्तान का ये पूरा पाकिस्तान का पीओ का। हाँ, ये पहाड़ कौन सा पाकिस्तान का? हाँ, ये पाकिस्तान का। ये नदी बोलता है शयोक, सिर्फ नदी। हाँ, शयोक शोक शोक। हाँ, जो बल्टिस्तान गिलगित में जाता है ये। अच्छा, ये बलूचिस्तान का है ना, बलूचिस्तान का है, पाकिस्तान का तीन पहाड़ी। ये यहाँ से ये पहाड़ी अपन है, वो वाला पहाड़ी नहीं है, वो अपना है। ये थंग बोलता है, लाल बोरा थंग थंग। और वहाँ पर है फानू, जो वहाँ पर वो बंकर।
तो ये जो एरिया है ये है त्यासी, और यहाँ से 7 किलोमीटर है थांग विलेज। थांग विलेज इज़ द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड POK। तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा, पूरा सामने में ही पाकिस्तान का बंकर दिखता है, और वहाँ का एक्सपीरियंस भी लिया। तो लेकिन द त्यासी मिलिट्री बेस से थांग विलेज तक इट्स नॉट अलाउड, कैमरा इज नॉट अलाउड। सो इसलिए मैं कुछ शूट नहीं किया जो रास्ते में। तो फिर वापस यहाँ से आ गए हम लोग। तो अभी तुर्तुक विलेज में कुछ लंच करेंगे, फिर जाएंगे हुंडर स्टोन केव कैफे एंड रेस्टोरेंट तुर्तुक। चलो इतने भी काफी भीड़ हो चुकी है। 100% ये देखो बाल्टी कैफे एंड रेस्टोरेंट। चलो चलो ना, क्लोज कॉल टुडे, लुक एट दैट मीटर, पेट्रोल टैंक मीटर ऑलमोस्ट नील एंड वी मेड इट टू द पेट्रोल पंप। और यहाँ से बाइक रख के जाना पड़ेगा। एडी बाइक रखे पड़े हो? दीक्षित मॉनेस्ट्री हो गया पूरा, और वहाँ पर पहले पूछा था तो मना किए थे कि ड्रोन नहीं है, लेकिन मैंने कुछ कुछ वीडियो देखा था जो कि 1 महीने पहले ही ड्रोन उड़ाए थे, तो मैंने भी उड़ा लिया। फिर उनके मॉनेस्ट्री से कोई आके फाइन लिया 500 रुपीस, दैट्स ओके, और मुझे मिल गया फुटेज।
सो नेक्स्ट जाएंगे सैंड ड्यून्स के लिए। जीबा सिटी पूरा